हमीरपुर शहर में होर्डिंग पर लगी तस्वीरें अब दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए एक मुद्दा बनती जा रही है। इस मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में जवानी जंग तेज हो गई है और इसके चलते कांग्रेस के द्वारा पूरी तरह से मोर्चा खोलकर नगर परिषद द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स पर कई सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता कर नगर परिषद पर संवैधानिक नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। कौशल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश सरकार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चित्रों को न लगाए जाने की बात हर मंच पर की जा रही है, लेकिन हमीरपुर नगर परिषद कार्यालय व स्वागत द्वार पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चित्र न होने पर वह क्यों चुप हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा हर मुद्दे को दोहरे मापदंड से देखती है। वहीं इस मुद्दे पर नगर परिषद के अध्यक्ष दीप कुमार बजाज ने कहा कि कार्यालय में चित्र लगाना वहां बैठने वाले की आस्था पर निर्भर करता है और कोई भी व्यक्ति किसी का चित्र लगा सकता है। मैंने जैसे कि कहा प्रधानमंत्री सर के आदरणीय हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री का जो पद है उसको संवैधानिक नहीं समझते? भारतीय जनता पार्टी दोगली बात करती है। मैं आपको हमीरपुर नगर परिषद का उदाहरण देना चाहता हूं। हमीरपुर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन है। आप हमीरपुर नगर परिषद के कार्यालय में जाइए, वहां मोदी की फोटो नहीं है, वहां मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह की फोटो नहीं है। और हमीरपुर नगर में नगर परिषद ने जो द्वार लगाए हैं उनके ऊपर श्री धूमल का फोटो है, श्री अनुराग ठाकुर का फोटो है। क्या धूमल साहब ने यह सलाह अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता जो नगर परिषद के अध्यक्ष और यहां उनके पार्षद हैं उनको दी कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री ने मेरी जगह यहां मुख्यमंत्री की फोटो लगाई है? या उन्होंने उनको पूछा कि आपके कार्यालय में नरेंद्र मोदी की फोटो क्यों नहीं है? जब कांग्रेस के किसी नेता की बात आती है तो संविधान की परिभाषा इनके नजर में कुछ और जब अपने किसी नेता की बात आए तो संविधान की परिभाषा कुछ और। वहीं हमीरपुर में होर्डिंग्स पर पूर्व मुख्यमंत्री का चित्र लगाने पर बजाज ने कहा कि धूमल हमीरपुर से विधायक हैं, इसी वजह से उनका चित्र लगाया गया है। गौरतलब है कि हमीरपुर में आज तक केवल भाजपा समर्थित नगर परिषद का ही राज रहा है। हमीरपुर में हर बार होर्डिंगों में सरकारों के विपरीत अपने चहेते नेताओं के चित्र लगाने पर बवाल होता रहा है। वहाँ पर उनकी फोटो लगी है और नगर परिषद अध्यक्ष की फोटो उनके साथ है। जिला से या प्रदेश से कितने भी लोग शहर में आए तो वो उन लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, ऐसा कोई भी लगा ले तो कोई बुरी बात नहीं है। रही बात प्रधानमंत्री की या बाकी आला नेताओं की, तो ये अपनी आस्था का प्रश्न है। नगर परिषद की दीवारें खाली पड़ी हैं, किसी को उनमें आस्था है, कोई लगता है प्रधानमंत्री की फोटो लगनी चाहिए, राष्ट्रपति की फोटो लगनी चाहिए, मुख्यमंत्री की फोटो लगनी चाहिए या किसी की भी फोटो लगनी चाहिए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो कार्यालय में फोटो लगवा सकता है और फोटो लगना या नहीं लगना ये साधारण सी बात है, इसमें कोई बात नहीं है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, किसी ने कहा या किसी के दिमाग में बात आई होगी उनका फोटो नहीं लगाएं, कोई भी लगाना चाहता है नगर परिषद द्वार खुले हैं, वो वहाँ जिस कमरे में चाहे उस कमरे में उसकी फ़ोटो जो है वो लगवा सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी ये कार्यालय हो या घर हो ये अपनी आस्था का प्रश्न है। किसी को कोई वीरभद्र जी की फोटो लगा देगा, कोई मनमोहन सिंह की लगा सकता है, कोई हेमा मालिनी की लगा सकता है, कोई अमिताभ बच्चन की लगा सकता है, ये अपनी आस्था की बात है कि किसकी फोटो लगानी है। और किसी फोटो लगाना इज्जत करना कोई बुराई की बात नहीं है। और धूमल जी की फोटो का है कि जहाँ तक आजकल भी वो हमारे ऑपोजिशन के लीड नेता हैं और नगर परिषद में जो जिनकी कंस्टिट्यूंसी होती है वो हमारे साथ मेंबर होते हैं, वो नगर परिषद में भी मेंबर है। के चैनल के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट।